और उसके ऊपर आरजीबी कलर काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला होगा। अब आप लोगों को अपने गेम में आईजी टूल में ये चीट को नंबर नहीं पता होगा, अपने गेम में इस तरह से हाउस के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। साथ ही आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में जेसीबी को भी ले लिया और जेसीबी को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और जेसीबी का चीट को पता चल चुका है। अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो आगे बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को अपने गेम में थार का चीट को नंबर भी बताने वाला हूं, क्योंकि फाइनली हमारे गेम में न्यू थार भी ऐड कर दी सर ने और न्यू थार को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसका चीट को नंबर भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में बोर्ड को भी ले लिया और बोर्ड का चीट को नंबर भी मुझे पता चल चुका। अभी आप लोगों को मैं बता दूं इतने सारे चीट को मुझे कैसे पता चले, लोगों एक करके चीट को नंबर बता दो। आप लोग भी अपने गेम में चीट को लिख सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अपने न्यू अपडेट की फिक्स डेट भी बताने वाला और न्यू अपडेट को अभी कैसे करना है वो भी आप लोगों को सीक्रेट सेटिंग आज के वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और एक करके चीट कोड मैं जैसे बताता हूं वैसे वैसे आप लोगों भी करने बिना किसी देर वीडियो करते स्टार्ट। फिर से और गाइस आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने गेम में बहुत सारे न्यू चीट कोड बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता है किसी भी यूट्यूबर ने, बट मैं आप लोगों को आज ये भी बताने वाला हूं अपने गेम की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई। तो गुड न्यूज सुनने के बाद आप लोग खुशी के मारे नाचने वाले हो, तो वो गुड न्यूज भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को पहले न्यू चीट कोड नंबर बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को कैसे कैसे इनको एंजॉय करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों की जो आती है फेवरेट जेसीबी, जेसीबी का चीट कोड नंबर बता देता हूं जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे देख सकता हूं मैंने गेम में जेसीबी को ले लिया और जेसीबी को लेने के बाद मैं इस तरह से एंजॉय भी कर पा रहा हूं। अब काफी बंदे मेरे पास कमेंट करके बोल रहे थे भाई आप लोग अपने गेम में किस तरह से जेसीबी को एंजॉय कर रहे हैं और उसका चीट कोड नंबर क्या है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को अपने गेम में कैसे मैं एंजॉय कर रहा हूं वैसे आप लोगों को सीक्रेट चीट कोड नंबर बता दूंगा, वो आप लोगों को चीट कोड जाने के लिए आगे तक आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है। आप लोगों का जो हाउस है वो इस तरह से आरजीबी कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बट यार ये वाला जो हाउस है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को नहीं मिला था एंड आप लोगों के कमेंट मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन फैक्ट्री के अंदर आप लोग अपने न्यू हाउस को कर सकते हो। तो इसको तो ये वाला जो क्लोथ है मैंने आप लोगों को एंजॉय करके दिखा रहा हूं, तो इसको क्लोथ में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को आईजी टूल में एक और न्यू चीट कोड नंबर डायल करना पड़ेगा। बाकी अपने गेम में ऐसा अपने गेम में हाउस के ऊपर आरजीबी कलर करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोगों को आगे तक देखना पड़ेगा, आगे आप लोगों को वो भी पता चल। लोगों को बता दो अपने गेम में बोर्ड का चीट, तो ये सारे चीट कोड मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं जो कि हमारे गेम के डेवलपर्स तरफ से आए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लिए। तो अब अपने गेम में जेसीबी को स्पॉन कर लेते हैं और जेसीबी का चीट कोड नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो अपने गेम में मैं आप लोगों को सारे न्यू चीट कोड बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। तो ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में चैलेंज वाले ऑप्शन में जाना है, शुरू से गेम से स्टार्ट करके चैलेंज वाले ऑप्शन में क्लिक करके रेलवे स्टेशन पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप लोग का जो करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। बाकी अब आप लोगों को अपने गेम में कुछ करना नहीं है, अब आप लोगों को यहाँ पे एक बुलेरो कार को स्पॉन, अपने बुलेरो कार स्पॉन हो जाएगी एंड ये जो ट्रिक है वो काफी ज्यादा यूनिक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना और ट्रिक में काफी ज्यादा आप लोगों को मजा भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपनी जो ट्रेन को अपनी जो कार को उसको आप लोगों को इस तरह से भिड़ा देना जैसे कि मैं भिड़ा पा रहा हूं एंड उसके बाद आप लोगों को इस तरह से भिड़ा देना। उसके बाद आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना कि दोनों के ऑप्शन के मतलब दोनों के जो ऑप्शन है उतरने का जिस दोनों के बैठने का ऑप्शन आ जाना चाहिए जब भी आप लोग ये जो ट्रिक है वो होने वाली है, ठीक है। तो मेरे दोनों ऑप्शन आ चुके हैं तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वैसे आप लोग देखोगे अपनी जो ट्रिक है वो हो चुकी है और आप लोगों का जो करेक्टर है वो बुलेरो कार पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। भाई साहब ये देखो आप लोग ये चेक करो बुलेरो कार के अपने जो करेक्टर है वो इस तरह से हो जाएगा एंड आप लोग इसको एंजॉय करने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आएगा। देखिए सब तो काफी ज्यादा फनी ट्रिक है एंड मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बट इसमें जो ट्रिक है ट्विच है वो अब जो आप लोग देखो आप लोग अपने गेम में यहाँ पे वेपन्स भी ले सकते हो अपने कैरेक्टर के साथ ही एंड साथ ही यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा यूनिक लग रही है ये वाली ट्रिक और आप लोग अपने गेम में ट्राई करके देखना, मुझे तो काफी ज्यादा मस्त ट्रिक लगी है, ठीक है। बाकी हम लोग अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बता देता हूँ एक एक करके, वो चीट कोड लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर बता देता हूँ जो कि काफी लोगों को नहीं पता है। लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मैं अपने गेम में जेसीबी को ले लिया और आप लोग भी अपने गेम में कैसे ले सकते हो, मैं आप लोगों को वो चीट कोड नंबर बता देता हूँ। यार मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने फाइनली जेसीबी को ऐड कर दिया और जेसीबी को हम लोग इसी तरीके से एंजॉय भी कर पा रहे हैं, पर काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे भाई अपने गेम में हम लोग जेसीबी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने फाइनली जेसीबी को तो ऐड कर दिया बट आप लोग अपने गेम में जेसीबी को अभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोगों को पहले सबसे पहले अपना न्यू अपडेट को करना पड़ेगा। अब न्यू अपडेट को कैसे करना है और अपने न्यू अपडेट की फिक्स डेट क्या होने वाली है और जेसीबी को कैसे लेना है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। हां हालांकि अपने गेम में जेसीबी कंफर्म ऐड हो चुकी है। बाकी अब आप लोगों को मैं बता दूं हाउस के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हैं न्यू क्लोथ में। बाकी अब आप लोगों को अपने गेम में जो हाउस के ऊपर आरजीबी कलर कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा देता हूं। तो आप लोगों का जो यहां पे हाउस देखने को मिल रहा होगा अब यार यहां पे आप लोग जो अपने गेम में हाउस के ऊपर आरजीबी कलर करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं हाउस के लिए तो आरजीबी लिखते होंगे तो आप लोगों का जो हाउस है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है एंड अंदर से टास्क क्रेडिट कन्वर्ट हो जाता है और अपने गेम में जो अपना हाउस है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को नहीं मिला था। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे अपने गेम में जो हाउस देखने को मिलता है उसको अपने गेम में मॉडिफाई करके अच्छे से हाउस के ऊपर ऐसा वाला कलर करवा दो। यार इसी समस्या को देखते हुए हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने ये वाला जो मॉडल को रेड
रेडी कर दिया है। एंड इस वाले न्यू अपडेट में आप लोग जैसे अपने गेम में हाउस क्लो होता RGB लिखोगे तो आप लोग का जो हाउस है वो इस तरह से देखने को मिलने वाला। न्यू महेंद्र थार को भी कैसे ले सकते हो और न्यू महेंद्र थार का चीट कोड नंबर भी क्या होना है। तो न्यू महेंद्र थार का चीट कोड होने वाला है, जैसे आप लोग अपने गेम में 090 डायल करोगे वैसे आप लोग गेम में आ जाती होगी क्योंकि महेंद्र थार। एंड देख सकते हो ये वाली जो थार है वो मॉडिफाइड थार है, बट आप लोगों के कमेंट आते हैं अपने गेम में एक न्यू वाली थार को ऐड करवाओ जिसके अंदर अपने गेम में अच्छी से मॉडिफाइड ना हो। एंड मैं आप लोगों को बता दूं इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को ये वाली जो थार है वो ऐड होने वाली है और सर की तरफ से ये वाली जो पिक है वो आई है। बाकी सर को तब से सर ने बोला है कि इस वाली न्यू अपडेट में ये जो मॉडल है वो मिल चुका है और इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को ये वाली जो थार है वो देखने को मिलने वाली है। अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैंने अपने गेम में महेंद्र थार को कैसे लिया और आप लोग भी कैसे ले सकते हो। एंड साथ ही आप लोगों से पहले बता देता हूं बोट का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो बोट को स्पॉन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में बोट वाली लोकेशन पे आ जाना है। तो मैं अपने गेम में यहां पे बोट को स्पॉन करवाना चाहता हूं तो अपने गेम में इस वाली लोकेशन पे मैं करवा लेता हूं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं अपने गेम में जो बोट है उसको पानी के ऊपर ही स्पॉन करवाना, बाकी नीचे मत करवाना जिसकी वजह से आप लोगों को अपने गेम में दिक्कत हो। हम लोग स्पॉन जल्दी से कर लेते हैं। तो बोट का जो चीट कोड नंबर है वो आप लोगों को डायल करना है 222। एंड इस वाली अपडेट में जैसे आप लोग 222 डायल करोगे सर ने बोला कि अपने गेम में बोट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट यार आप लोगों में बता दूं बोट तो ऐड कर रहे थे सर पहले, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को इस वाली अपडेट में बोट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बोट में बहुत सारे ग्लिचेस ग्लिच हो रहे हैं जिसकी वजह से सर बोट को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस वाली अपडेट में तो देखने को नहीं मिलेगी, बाकी आप लोगों को आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगी। तो मैं अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बता दूं आखिर कौन कौन से इस वाली अपडेट में चीट कोड आएंगे और कौन कौन से अपने न्यू अपडेट को सीक्रेट तरीके से कैसे करना है और अपडेट की फिक्स डेट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उनकी तरफ से मैंने पूछा कि सर अपने जो न्यू अपडेट है वो कब तक आने वाला है। ऑडियंस काफी ज्यादा रिकमेंड कर रही है। सर ने तो बोला कि अपने गेम में फाइनली मैंने JCB को ऐड कर दिया है और JCB का जो चीट कोड नंबर है वो मेरे को बता भी दिया है। तो JCB का आप लोगों को चीट कोड 90 और 60 होने वाला है। जैसे डायल करोगे तो अभी तो कुछ स्पॉन नहीं होगा, बट आप लोगों को आने वाले अपडेट में ये चीट कोड JCP स्पॉन होने वाली है। अभी आप लोगों को बताता हूं महेंद्र थार किस तरह से स्पॉन होगी और महेंद्र थार का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपने गेम में ये वाली जो महेंद्र थार है उसको तो मॉडिफाई देखने को मिलेगी, तो इस वाली अपडेट में आप लोगों को ये वाली जो थार है वो देखने को मिलेगी। अपने जो गेम के डेवलप को ये वाला जो न्यू मॉडल है वो मिल चुका है। बाकी अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं अपने गेम में बोट तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें बहुत ग्लिच हो रहे हैं, बट आप लोगों को आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगी, मतलब इस अपडेट में नहीं अगले अपडेट में। ठीक है, अभी आप लोगों को बता दूं इस वाली अपडेट में आप लोगों का जो न्यू हाउस है उसके ऊपर कलर RGB कलर इस तरह से हो जाएगा इस वाली अपडेट के बाद। हमारे जो गेम के डेवलपर उनकी तरफ से मैसेज आया कि अगले महीने आप लोगों को न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला और अपडेट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। निसान GTR का JCB मॉडिफाइड न्यू थार एंड साथ ही अपने गेम में न्यू हाउस RGB और साथ ही पुलिस स्टेशन भी देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इन सभी चीजों को लेने के लिए आप लोगों को केवल लाइक और सब्सक्राइब करना है। एंड अपने गेम में आप लोगों को मैं सबसे पहले न्यू चीट कोड ऐसे ही बता रहता हूं। बाकी अभी तो मैं आप लोगों को बता दूं जो हमारे गेम के डेवलपर गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्होंने पूछा कि आप लोगों से कि अपने गेम में और कोई क्या चीज नहीं ऐड करनी चाहिए। इस वाली न्यू अपडेट की जो कंप्लीट टीम पहुंची थी वो उन्होंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। इस वाली न्यू अपडेट में कुछ इतने सी आने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं अभी तो अपने गेम में कोई ऐसी चीज नहीं आई है और जैसे अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर आ जाते हैं वैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले नंबर बता दूंगा चीट कोड नंबर। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं इंडियन बैंक की जो मैंने फिक्स डेट आप लोगों को बता दी, तो आप लोगों को केवल वेट करना 15 दिन के बाद अपना न्यू अपडेट आने वाला और जैसे न्यू अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले न्यू चीट कोड नंबर बता दूंगा। और पुलिस स्टेशन की जो पिक है वीडियो है वो हमारे को कल को प्रोवाइड होने वाली है, तो कल को मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने गेम में जो पुलिस स्टेशन में कैसा देखने को मिलने वाला और क्या उसके लोकेशन भी होने वाली है वो सर की तरफ से आने वाला। बाकी आप लोगों में अपने इंडियन बैंक के जो गेम के डेवलपर इतनी सी इंफॉर्मेशन बताई थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो मैंने कर देना। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं गुड बाय टेक केयर।